बैतूल में गर्लफ्रेंड को मनाने और उससे फिर से पाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर के पास से 92,000 रुपए, लैपटॉप और ज्वेलरी बरामद हुई है। गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए चोरी, प्रेमी ने गर्लफ्रेंड के घर में ही की चोरी, फिर प्रेमी ने सुनाई एक अनोखी कहानी। बैतूल से चोरी की वारदात सामने आई है। इस वारदात के पीछे प्यार है, तकरार है, रूठना है और फिर मनाना है। दरअसल अपनी रूठी प्रेमिका को मनाने के लिए प्रेमी ने पहले गर्लफ्रेंड के घर पर चोरी की, फिर चोरी का सामान लौटाते हुए हीरो बनने की कोशिश। लेकिन उसका यह सपना धरा का धरा रह गया, क्योंकि इन सबके बीच पुलिस की एंट्री हो गई। दरअसल बैतूल के महावीर वार्ड के एक सूने मकान में चोरी हुई, जिसकी जानकारी घर वालों को भी नहीं थी। जब वो वापस लौटे तो घर के सामने मोहल्ले का ही एक लड़का प्रेम खड़ से हाथ में कुछ सामान लिए खड़ा था। प्रेम ने उन्हें बताया कि उसने दो चोरों को वहां से भागते हुए देखकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद चोरों ने उस पर हमला बोल दिया और सारा सामान वहीं छोड़कर फरार हो गए। काफी बड़ी इनकी सफलता रही है और इसकी जो प्लान थी आरोपी की वो ये थी, इन्होंने सामान ले जाके उसके घर से कोई सामान ना मिले इसके लिए उसने ये म्यूजिक सिस्टम के नट बोल्ट खोल के उसके अंदर ये सामान ले जाके छुपाया था, जहाँ से ये इन्होंने बहुत ही मेहनत से इसको बरामद किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपनी रूठी प्रेमिका को मनाने के लिए पहले प्रेमिका के घर पर खुद चोरी की और फिर उसे चोरी का सामान लौटाते हुए कहानी बनाई कि उसने अपनी जान पर खेलकर चोरों से सामान छीना है। हालांकि प्रेमिका की नाराजगी दूर हुई या नहीं ये अलग बात है, लेकिन पुलिस की पूछताछ के बाद प्रेमी महाशय अब जेल में प्रायश्चित करने रवाना हो चुके हैं। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।